तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ माँ चामुंडा देवी मंदिर में, जो कांगड़ा जिले में स्थित है। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मैक्लोडगंज। Day 4 और रूम की हालत देख सकते हो आप, अभी तो बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है। जल्दी से रेडी होना है और उसके बाद जाएंगे धर्मशाला की ओर। और ये है हमारे यहाँ से विंडो, तो वो खड़ी है हमारी मारुति एक्सप्रेस। यहाँ से बाहर के नज़ारे मौसम क्लियर है। ये था हमारा होटल और सामने के जो नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे थे जो हमें होटल से रूम से देखने के लिए मिल रहे थे। ये जो हाईवे है ये है चंडीगढ़ मनाली हाईवे, इस तरफ है चंडीगढ़ और इस तरफ ये रोड जा रहा है मनाली की। गाड़ी की साफ़ सफाई शुरू हो गई है, धर्मशाला निकलने का समय हो चुका है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ शोभित और आप देख रहे हैं MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज है Day 4 और आज हम निकलने वाले हैं मंडी से धर्मशाला की ओर। यहाँ से धर्मशाला की दूरी करीब 130-135 किलोमीटर के अराउंड है। गूगल पर हम चेक कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, गाड़ी रेडी हो रही है। अब 130-135 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है ये तो रोड पर जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नाइट स्टे आज धर्मशाला में ही होने वाला है। सुबह हम मैक्लोडगंज जाएंगे, धर्मशाला को रात को एक्सप्लोर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इस ट्रिप में। और रास्ते में जितने भी साइट सीइंग हो गए वो हम करते जाएंगे। तो अभी 7:30 बज चुके हैं मॉर्निंग के, सोच रहे थे सुबह 6 बजे निकल जाएंगे लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं धर्मशाला। बादल ठीक हमारे बराबर में ऐसे चल रहे हैं। मंडी से थोड़ा आगे आने के बाद चाय का ब्रेक हमने लिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर चाय पियेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी धर्मशाला की दूरी यहाँ से करीब 120 किलोमीटर रह गई है। रोड की कंडीशन की मैं अगर बात करूँ तो रोड मणिकरण जैसा ही है। रोड की चौड़ाई कम है लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे धर्मशाला की ओर, आपको भी नज़ारे दिखाते रहेंगे। चाय पी लो जी, ये है चाय, बिस्कुट खा लो जी। मंडी से धर्मशाला जा रहे हैं, मंडी से करीब 20 किलोमीटर निकल आए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, अंदर एक रूम में बैठे हैं छोटे से ढाबे के, छोटे से रूम में। यहाँ कुछ राहत है, मतलब बाहर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है। अभी ऐसे ऐसे दिन चढ़ेगा शायद गर्मी पड़ जाए। टेम्परेचर यहाँ पर मंडी के कंपेरिजन में काफ़ी लो है, ठंड महसूस हो रही है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है मंडी के कंपैरिजन में ये रास्ता, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वेदर अभी ठंडा है लेकिन धूप निकली हुई है। निकल पड़े हैं मंडी से धर्मशाला की ओर। ये रोड जाता है वाया पालमपुर टू धर्मशाला। एक बहुत सुंदर सी लोकेशन हमें दिखाई दी तो हमने यहाँ पर अपनी मारुति एक्सप्रेस को रोक लिया। और ये कोई जगह है गुम्मा नाम की और यहाँ से धर्मशाला अभी रह जाता है करीब 80 किलोमीटर। आप देख सकते हैं मेरे आसपास बेहद सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, शायद कीड़े हैं क्या हैं कुछ, शायद आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। और ठीक इसके नीचे एक फिश फार्म है और साल्ट वैली के नाम से जाने जाती है ये जगह, साल्ट वैली के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नीचे तो मैं उधर तो नहीं जा पाऊँगा लेकिन आपको मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश करूँगा।
खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए पहुंच जाएंगे धर्मशाला थोड़ी देर में। 80 किलोमीटर करीब रह गया है और यही मज़ा है टूरिंग का, यही मज़ा है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो ऐसे ही रुकते रुकते चले जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, जो भी अच्छा नज़ारा दिखाई देता है उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। ये फ़ायदा होता है अपनी पर्सनल कार या बाइक से आने का। अगर आप वॉल्वो से आते हैं, बस को यूज़ करते हैं या लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं वहाँ के, तो आप इन चीज़ों को मिस कर देंगे। ये फ़ायदा अपनी गाड़ी से या टैक्सी से हो सकता है। और से पानी आ रहा है वो देख सकते हैं। और एक अच्छी सी लोकेशन मिली, बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखने के लिए मिला, तो सोचा अपनी मारुति एक्सप्रेस को रोक लेते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर सा वाटरफॉल है और ये देखिए आप ऊपर से वो वाटरफॉल आ रहा है, एकदम वाइट पानी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से धर्मशाला ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, जाएंगे धीरे धीरे ऐसे नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए और आपको भी दिखाते रहेंगे अल्टीमेट नज़ारे। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती वाकई बहुत शानदार है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही सब चीज़ों का मज़ा लेने दिल्ली से लोग और गरम गरम शहरों से यहाँ आते हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रोड पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों पर गाड़ी आ रही है। तो अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद चलते हैं, छोड़ जाते हैं आपको इन नज़ारों के साथ। जोगिंदर नगर बड़ा शहर जोगिंदर नगर, बहुत खूबसूरत रोड मंडी से धर्मशाला की ओर। जोगिंदर नगर पार करने के बाद तो खूबसूरती मानो और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छे व्यू देखने के लिए मिल रहे हैं हमें इस रोड पे। रोड की कंडीशन A1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आते हैं तो। जगह जगह पेट्रोल पंप भी काफ़ी हैं तो पेट्रोल का भी इशू नहीं रहेगा। जिले में एंटर कर चुके हैं और जो यहाँ के व्यूज हैं बेहद खूबसूरत हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ कांगड़ा के बैजनाथ शहर में और बैजनाथ के फेमस प्रसिद्ध शिव मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ। ये है बैजनाथ का शिव मंदिर, बहुत प्रसिद्ध बहुत फेमस। मंदिर के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये मंदिर है बैजनाथ शिव मंदिर। आपने नाम सुना ही होगा, कांगड़ा ज़िले के बैजनाथ शहर में ये शिव मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है और ये मंदिर पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, हज़ारों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते रहते हैं। यह शिव मंदिर पालमपुर के चामुंडा देवी मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दशहरे का उत्सव जो परंपरागत रूप से रावण का पुतला जलाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन यहाँ बैजनाथ शहर में रावण की भगवान शिव के लिए की गई भक्ति और तपस्या के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वैसाखी और सावन के सोमवार को यहाँ भारी उत्साह के साथ पूजा अर्चना की जाती है।
मंदिर अभी कोविड के समय में भी खुला हुआ है, लेकिन हाथों को सैनिटाइज़ करने के बाद, थर्मल स्कैनिंग के बाद आप अंदर जा सकते हैं और मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंडी से धर्मशाला आते वक्त हमें तीन बड़े बड़े शहर देखने के लिए मिले। पहला था जोगिंदर नगर, दूसरा बैजनाथ और तीसरा पालमपुर। जोगिंदर नगर में रेलवे स्टेशन भी स्थित है। बाकी इन तीनों ही शहरों में अगर आप रात को स्टे करना चाहते हैं तो आपको अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जरूरत का सभी सामान तीनों ही शहरों में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। पालमपुर से धर्मशाला के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। मंडी से धर्मशाला आते वक्त आप बहुत सी अलग अलग साइट सीन भी कर सकते हैं, जैसा कि बैजनाथ में हमने शिव मंदिर में दर्शन किए। इसके अलावा आगे पालमपुर से थोड़ा आगे आने के बाद चामुंडा देवी मंदिर में भी हम दर्शन करने जाएंगे। रास्ता बेहद खूबसूरत है। मंडी से धर्मशाला के बीच की दूरी कुल 130 किलोमीटर है, जहां आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जरूरत की सभी चीजें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं पालमपुर। और यहाँ पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में मिल रहे हैं पराठे। अभी पालमपुर के पास में है और यहाँ से करीब धर्मशाला की दूरी 26 किलोमीटर रह जाती है। इसी बीच में माता सती के एक शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर भी बढ़ने वाला है। हो सका तो वहाँ भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। माँ चामुंडा देवी मंदिर में, जो कांगड़ा जिले में स्थित है और पालमपुर और धर्मशाला के बीच में है। चामुंडा देवी मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा स्थान है। चामुंडा देवी का मंदिर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक शक्तिपीठ है माता सती का। यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे आकर, तो ये एक शक्तिपीठ बन गया और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह चामुंडा देवी मंदिर। प्लान में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी हम धर्मशाला जाएंगे, लेकिन रात का स्टे मैक्लोइडगंज करेंगे। तो डायरेक्ट हम मैक्लोइडगंज की ओर जा रहे हैं। मैक्लोइडगंज की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है। रोड की चौड़ाई कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता है। धर्मशाला से मैक्लोइडगंज के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो नाइट स्टे मैक्लोइडगंज करेंगे। पहले मैक्लोइडगंज को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद रिटर्न आते वक्त धर्मशाला के कुछ दूसरे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो
सेंस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। मंडी में हमने सोचा था कि धर्मशाला जाएंगे, धर्मशाला तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ। हमने नाइट स्टे धर्मशाला में ना करके मैक्लोइडगंज में आने का ठाना, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मैक्लोइडगंज और रूम भी मैंने ले लिया है। ये मेरा रूम है, बालकनी में मैं खड़ा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल आप मेरे रूम का ये व्यू देख लीजिए, कितना शानदार व्यू है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको घुमाने वाला हूँ मैक्लोइडगंज। कहाँ कहाँ आप मैक्लोइडगंज घूमने जा सकते हैं, सारी साइट सीन मैं आपको दिखाऊँगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी होगी तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मैक्लोइडगंज घुमाऊंगा, उसके साथ साथ आसपास की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी लेकर जाऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी। अभी के लिए बाय बाय।